हेलो मेरे प्यारे बच्चों, शादी में जाना चाहता हूँ। 3 पैंटें हैं मेरे पास अलग अलग तरीके की और 2 हैं शर्टें। समझ नहीं आ रहा है कौन सी पैंट पहनूं और कौन सी शर्ट पहनूं। मैं कितने तरीके से तैयार हो सकता हूँ अगर 3 पैंट में से कोई पैंट पहन लूं और 2 शर्टों में से कोई एक शर्ट को चूज़ करूं, तो ऐसे मेरे पास कितने तरीके होंगे कि मैं अलग अलग दिख सकूं। यस, इसी बात का जवाब देने के लिए हम फिर आ गया हूँ 11th क्लास का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2 लेकर। लेक्चर 1 में हमने आपको समझाई थी फैक्टोरियल की कहानी। अगर आपने अपनी ज़ुबानी अभी तक फैक्टोरियल की कहानी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि आगे की कहानी को समझने के लिए लेक्चर 1 यानी कि फैक्टोरियल की समझ होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो, जैसे जिंदा रहने के लिए तू ज़रूरी है, ऐसे ही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए फैक्टोरियल ज़रूरी है। परम्यूटेशन का जन्म कैसे हुआ, NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल कैसे हो गया। तो जब भैया यहाँ पर फैक्टोरियल का नाम आ रहा है, जबकि ये फुद्दू सी चीज़ है, NCR बहुत फुद्दू सी चीज़ है कि ये कैसे आई, तो इसको समझने के लिए फैक्टोरियल की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2 मिनट अपने स्टार्टिंग के वेस्ट करके आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ। अगर आपको क्लियर है तो बिंदास झक्कास आप ये लेक्चर कंटिन्यू करो बेटा। अगर फैक्टोरियल क्लियर नहीं है तो लेक्चर 1 को पहले देखो, चाहे भले स्पीड बढ़ा के देखो, स्किप कर करके देखो। अब लेक्चर 2 की समझ, परम्यूटेशन का ओरिजिन क्या है, कॉम्बिनेशन कैसे बने, इन दोनों का मतलब क्या है, नंबर प्लेट्स, लॉक्स, अरेंजमेंट्स कैसे बनते हैं, सारी कहानी क्लियर होगी तो आज का बच्चों लेक्चर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, 2 फंडामेंटल काउंटिंग है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। यहीं से जन्म होता है आपके परम्यूटेशन का और यहीं से जन्म होता है बच्चों कॉम्बिनेशन का। अगर स्कूलों में कोचिंग्स की अगर हम बात करें, नॉर्मली लेवल पे जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो डायरेक्ट NPR का फॉर्मूला ये है, NCR का फॉर्मूला बेटा ये है। NPR अब यूज़ करते हैं अरेंजमेंट में, NCR सिलेक्शन में यूज़ करते हैं। आप बखूबी समझते होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनको ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला ये लेक्चर, बिकॉज वो कोरे कागज़ हैं और कोरे कागज़ पर कुछ भी लिख दो बढ़िया रहेगा। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है आज उनका माइंड में डाइवर्ट करने वाला हूं बच्चों। यस, तो फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से पहले मैं आपको 2 रियल लाइफ के केस, जिसकी मैंने लेक्चर में शुरुआत करी थी कि मेरे पास 2 पैंटें हैं 3 पैंटें हैं और 2 शर्टें हैं, क्या करूं, तैयार होना चाहता हूं, कितने तरीके से तैयार हो सकता हूं। समझ में आ रही है बात? तो मेरे पास है पैंट्स, पी फॉर पैंट्स। यहां पे मैं पहन रहा हूं पैंट P1, यहां पे मैं पहन रहा हूं पैंट P2। भैया पहले पैंट सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पे मैं पैंट पहन रहा हूं P3। ठीक हो रही है बात? मेरे पास 2 हैं शर्टें, ध्यान दीजिएगा, शर्ट 1 शर्ट 2। तो पहली पैंट के साथ मैं पहली शर्ट पहन सकता हूं और पहली पैंट के साथ मैं शर्ट 2 पहन सकता हूं। अगर मैंने पहली शर्ट पहनी तो मेरा जो भी दिखूंगा मैं, वो मैं दिखूंगा P1S1, पहली पैंट पहली शर्ट के साथ। हो सकता है मैं पैंट वही रखूं बच्चों, मैं एक उसके बाद थ्योरम बताऊंगा जो NCERT में दी हुई है, RD शर्मा में दी हुई है, लेकिन हमको डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो कहानी बहुत स्टार्टिंग से चलेगी बच्चों, और अगर आप हैं समझने वाले तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो P1 पैंट के साथ दूसरी शर्ट लगा लो, अलग दिखोगे कि नहीं दिखोगे? हाँ सर, अलग तो दिखेंगे यार, मैथ को फील कर लो बच्चों, बस मतलब अलग से ही एनर्जी आ जाती है। पिछला लेक्चर कितनी एनर्जी के साथ लिया था। अब भैया पैंट दूसरी ले ली तो इसके साथ शर्ट 1 लगा लो, इसके साथ शर्ट 2 लगा लो। तो दूसरी पैंट के साथ पहली शर्ट और दूसरी पैंट के साथ दूसरी शर्ट, इसमें भी अलग दिखूंगा, इसमें भी अलग दिखूंगा, चारों अलग अलग बातें हैं बच्चों। और अगर बच्चों मैं तीसरी पैंट के साथ शर्ट 1 लगा लूं या फिर तीसरी पैंट के साथ शर्ट 2 भी लगा सकता हूं, तो मेरे पास तैयार होने का तरीका हो गया तीसरी पैंट पहली शर्ट, तीसरी पैंट दूसरी शर्ट। अब कौन महाशय ऐसे हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों में से, जिनको ये बात सिंपल सी समझ में नहीं आएगी? कोई नहीं होगा आप में से ऐसा। अरे सर, अगर ऐसा समझा दिया गया होता तो पहले ही काम ना हो जाता, मज़ा ही नहीं आ जाता। कोई बात नहीं, बहुत देर नहीं हुई है, मज़ा आएगा, मैथमेटिक्स समझ में आएगी, रियल लाइफ की एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स, कहीं से बन के नहीं आई है। तो बच्चों बताओ कितने तरीके हुए? सर 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या चूज करना था?
मैं एक थ्योरम बताऊंगा, यहीं से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल और दे दूंगा इसको समझने के लिए, एक एग्जांपल और दे दूंगा। तो मुझे सर चूज करना थी पैंट, उसके बाद मुझे लगानी थी शर्ट, या पहले शर्ट चूज कर लो बाद में पैंट चूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे एक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम बनी हुई है। तो पैंट को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं, या तो पहली पैंट ले लूं या दूसरी या तीसरी। पैंट को चूज करने के मेरे पास तीन ऑप्शन है, शर्ट को चूज करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। टोटल पैंट और शर्ट को चूज करने के बाद कितने ऑप्शन है सक्सेशन में, पहले एक पैंट चूज करूं उसके बाद एक शर्ट चूज करूं, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करा दो। देखो 3 2 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मल्टीप्लीकेशन से कुछ तो लिंक है। सपोज कर लो अगर मैंने 10 पैंटे कर दी होती और 4 शर्ट कर दी होती तो अपन बना बना के थक गए होते अभी तक, और बनने का ही नहीं हो रहा था ये। तो इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे पैंटे और शर्टे आ जाती, पूरा बोर्ड भर जाने का था। क्या कर पाओगे, क्या हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे? मैं आपको 6 नंबर दे देता हूं, उनमें से कहूं 3 डिजिट का नंबर बनाओ, सारी डिजिट अलग अलग हो, बना बना के थक जाओगे मियां आप, नंबर नहीं बनने के। क्यों नहीं बनने के, थोड़ी हैदराबादी आ रही है अपने अंदर, तो नंबर नहीं बनेंगे। नंबर क्यों नहीं बनेंगे, इतने सारे कहां तक लिखोगे? तो हमें उनकी काउंटिंग से मतलब, उनकी वैल्यू से मतलब नहीं है कि हम कैसा दिख रहे हैं, हम ये पूछेंगे कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं। तो 3 पैंटों में से, 2 शर्टों में से एक पैंट और एक शर्ट चूज करनी हो जाए तो 6 तरीके हो सकते हैं। तो ये तरीके को चूज करना, भैया इतने अवेलेबल है उनमें से इतने चूज करने हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, उसी चैप्टर को हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से जानेंगे। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2 अलग अलग बातें हैं, वो अरेंजमेंट है, वो सिलेक्शन, उसकी कहानी मैं समझाऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग कैसे की जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है काउंटिंग करने के लिए, एनपीआर और एनसीआर की जरूरत नहीं है काउंटिंग करने के लिए, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है काउंटिंग करने के लिए। आप सारे काम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से कर सकते हैं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। फैक्टोरियल की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसको करना पड़ रहा था, उसी को एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया, एक टाइप को परम्यूटेशन बोल दिया गया और एक टाइप को कॉम्बिनेशन बोल दिया गया। दिखाएंगे सब। तो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर आ तो गई। तो एक केस पहले और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक थ्योरम पढ़ाऊंगा मल्टीप्लीकेशन की। एक केस और समझ लेते हैं, ठीक है? तो केस ये समझ लेते हैं कि मेरे पास कुछ बैग है, बैग एनसीईआरटी में ये एग्जांपल मेंशन है, अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो कम से कम, मदर बुक बोलता हूं मैं उसको, सबकी माता जी है वो, समझ रहे? माता जी को पढ़ लिया तो बच्चे तो अपने आप ही उड़ जाएंगे। बैग है, उसके बाद मेरे पास बैग में रखना मुझे टिफिन, और टिफिन के बाद मुझे रखनी है बॉटल्स। समझ आ रही बात? तो सपोज कर लो मेरे पास 2 बैग है, कितने बैग है, 2, किसी लेडी के 2 बच्चे हैं, एक बैग, भाई दोनों एक ही क्लास में है, किसी को कोई सा बैग दे दें, किसी को कोई सा बैग दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके यहां गलती से क्या, अभी मतलब अपने आप ही मान लो यार कुछ, तो उन्होंने 3 टिफिन तैयार कर लिए यार, टिफिन तैयार कर लिए उन्होंने 3, और 2 है बॉटल्स उनके पास। तो कितने तरीके से वो एक बैग को सिलेक्ट कर सकती हैं, उसके बाद एक टिफिन को सिलेक्ट कर सकती हैं, उसके बाद एक बॉटल को सिलेक्ट करना है उनको। तो बैग सिलेक्ट करने के 2 तरीके, भाई 2 में से लिया एक ही होगा, लेकिन पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। 3 टिफिन में से कोई एक टिफिन चूज करेंगे, लेकिन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, 3 तरीके टिफिन को चूज करने को हो गए। उसके बाद बॉटल उठानी है अपने को, तो बॉटल 2 बैटल में से कोई सी भी ले लो, पहली या दूसरी, तो बॉटल को चूज करने के 2 तरीके, मल्टीप्लाई कराओ 2 3 6 2 12, ऐसे 12 तरीके हो जाएंगे। और अपन ये इसको आपको करके दिखाएंगे, देखेंगे 12 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे यार, करके दिखाएंगे। तो यहां से चलते हैं, हमारे पास ये थे हमारे पास बैग, तो ये आ गया बैग B1 और ये आ गया बैग B2। ध्यान देना जरा, यहां के बाद आपको 3 टिफिन लेने हैं, टिफिन है T1, टिफिन है T2, टिफिन है T3। समझ आ रही है बात? और टिफिन जब आप चूज कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया B1 T1, ये हो गया B2 T2, पहला बैग तीसरा टिफिन। उसके बाद अपना को बोतल चूज करनी है, तो 2 तरीके यहां आएंगे, पहली बोतल दूसरी बोतल। तो जब हम यहां पे जाएंगे तो ये बनेगा B1, अच्छा बैग और बोतल को एक ही से लिख दिया हमने, तो बैग टिफिन बोतल,
तो बॉटल को थर्मस मान लेते हैं, तो थर्मस को फिर टी से लिखना पड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं यार, बॉटल को डब्ल्यू से डिनोट कर लो, ठीक है, चलेगा चलेगा ना। चलो भैया चलेगा, W1 W2। तो पहला बैग पहला टिफिन, पहला बैग पहला टिफिन पहली बॉटल, पहला बैग पहला टिफिन दूसरी बॉटल। यहां से भी दो मिलेंगे, बॉटल वन बॉटल टू, पहला बैग दूसरा टिफिन पहली बॉटल, पहला बैग दूसरा टिफिन दूसरी बॉटल। यहां से भी अपन को दो मिलेंगे, W1 W2, पहला बैग तीसरा टिफिन पहली बॉटल, पहला बैग तीसरा टिफिन दूसरी बॉटल। कितने आए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, सेम 6 इसके लिए बनेंगे ना। तो 6 और 6 कितने हुए यार, बात को तो समझो। तो 6 और 6 हुए 12 यार, इतना काम तो मल्टीप्लाई करके आ रहा था 12, क्या समझिए आप बताइए। तो मल्टीप्लीकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग। अब थ्योरम बता देते हैं आपको, इस गेम को समझना पड़ेगा यार। टाइम घड़ी देखना, किताबें देखना बंद करो, क्या होती है बुक, क्या होता है टाइम। बार बार वही बता रहा हूं, सीखने में कभी टाइम को मत देखो, जो टाइम को देखेगा वो कभी सीख नहीं पाएगा। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, तो इस बात को फील करना पड़ेगा बच्चों आपको। बात समझ में आ रही है? तो सपोज कर लो कोई जॉब है, कोई जॉब है, उसको हम एम वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। अ जॉब जॉब वन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, और एक जॉब टू है कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज। अब सपोज कर लीजिए कि जॉब वन इज परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द वेज ऑफ एम। मतलब क्या हुआ कि मान लो जॉब वन को हम एम तरीके से कर सकते थे। ये मैं थ्योरम बता रहा हूं आपको, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा कन्वेंशनल कहानी लिखना नहीं चाह रहा हूं, ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। तो एक जॉब है, कोई भी काम है, उसको हम एम तरीके से कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए उसमें से एम तरीकों में से हमने उसे एक तरीके से कर लिया। जैसे अभी पैंट आ रही थी, तो तीन पैंटें थी मेरे पास, यानी कि तीन तरीके से पैंट को मैं सिलेक्ट कर सकता था। मान लो एक पैंट सिलेक्ट कर ली तीन में से कोई सी भी। जॉब टू को हम एन तरीके से कर सकते हैं इसके बाद, सक्सेशन में। सक्सेशन मतलब कि इसके बाद, ठीक। जॉब टू को हम एन तरीके से कर सकते हैं, और एन में से किसी एक तरीके से हमने उस काम को कर लिया। तो दोनों कामों को करने के कितने तरीके होंगे? दोनों कामों को करने के एम इंटू एन वेज हो जाएंगे सक्सेशन में। यानी कि पहले मैं जॉब वन को करूं किसी एक तरीके से, जॉब टू को करूं किसी एक तरीके से, उसके एन तरीके अवेलेबल है, उसके एम तरीके अवेलेबल है। तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करा लें तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आएंगे जितने तरीकों से ये दोनों जॉब परफॉर्म करी जा सकती है। अगर एक जॉब थ्री भी है, कितनी भी जॉब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम एन इसको सपोज कर लो पी तरीके से कर सकते हैं, तो तीनों जॉबों को सक्सेशन, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, टोटल तरीके कितने बनेंगे? एम इंटू एन इंटू पी वेज बन जाएंगे। अब मैं समझता हूं आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये एक थ्योरम है फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। ये थ्योरम वन थी बच्चों, फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन की, जो थ्योरम कहती है कि इफ देयर इज जॉब वन विच कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड देयर इज जॉब टू विच कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज। सपोज जॉब वन इज परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द एम वे, मान लो कि एम वे में से एक तरीके से जॉब वन को परफॉर्म कर दिया, एंड जॉब टू इज परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द वे ऑफ एन। यानी कि जॉब टू को एन तरीकों से किया जा सकता था, उसमें से किसी एक तरीके से उसको कर दिया। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन सक्सेशन इन एम इंटू एन वेज। ये थी थ्योरम। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और समझ लीजिए, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं बच्चों, मेरे क्लास में जिसका मैं क्लास टीचर हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन भी दे दूं यार आपको, उसके बाद बिंदास एनसीईआरटी के सारे सवाल उड़ा के जाएंगे, आज फोड़ के जाएंगे, देखते रहो यार। बात तो समझ में आ रही है, पहली बार कोई समझा तो रहा है, कोई कोशिश तो कर रहा है आपके साथ, तो थोड़ा सा टाइम दो यार, थोड़ा सा टाइम दो। तो क्लास, मेरे क्लास में, क्लास एक्स वाई जेड 11 क्लास का मैं क्लास टीचर हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं किसी स्कूल में, वहां पर 10 बॉयज हैं भैया,
अच्छे अच्छे बच्चे हैं, संख्या कम है, मजे से पढ़ाई होती है, और 5 गर्ल्स हैं। कोई मैथमेटिक्स का जादू मैं स्टेज पे दिखाना चाह रहा था, किसी एक बच्चे को मुझे चूज करना है, किसी एक बच्चे को। तो इन 10 बच्चों में से मैं कोई सा भी एक बच्चा ले सकता हूं, यानी कि एक लड़के को चूज करने के मेरे पास 10 तरीके हैं। सर ऐसा तो पहले भी था, किसी लड़की को चूज करने के मेरे पास 5 तरीके हैं। भैया 5 लड़कियां हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, पिंकी तू आजा, चिंकी तू आजा, मिंकी तू आजा, टिंकी तू आजा, रिंकी तू आजा। तो कोई सी भी एक लड़की ले ली, या 10 लड़कों में से एक बच्चा चूज करना है मुझे, आइदर या तो ये एक बच्चा, देखो बात समझना। तो अब सपोज कर लीजिए, वही मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है और आप एक ऑप्शन को एम वे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब 10 बच्चों में से कोई सा एक बच्चा ले ली, और दूसरे में से एन वे तरीके से, तो यू कैन परफॉर्म आइदर जॉब 1 और आइदर जॉब 2, यानी कि 2 जॉब थी, एक जॉब को एम वे तरीके से कर रहे थे, एक एन वे, उनमें से अगर किसी एक जॉब को करना हो, पिछली वाली थ्योरम में थी कि दोनों जॉब को करना था सक्सेशन में, पहले पैंट चूज करनी थी फिर शर्ट चूज करनी थी, अब है या तो कोई एक लड़का चूज करना या एक लड़की चूज करनी, आइदर दोनों में से कोई भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कितने तरीके होंगे, अब प्लस लगाना पड़ेगा, 15 तरीके होंगे। या तो मैं किसी एक लड़के को स्टेज पे भेज दूं, ठीक है ना, किसी एक लड़के को स्टेज पे भेज दूं, राहुल और कोई सा भी मान लो, रिंकू, टिंकू, मिंकू, चिंकू, फरहान, राजू, क्या रेंचोड़ दास, अरे कोई से भी मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है उनकी बात, कोई हो तो मुझे माफ करें, किसी बच्चे को बुरा ना लग जाए, ठीक है ना, हाँ सब प्यारे बच्चे हैं। तो या तो मैं किसी 10 लड़कों में से एक लड़के को भेज दूं, भैया स्टेज पे जा बेटा कर दे, किसी एक लड़की को भेज दूं, तो 15 तरीके मेरे पास हैं। तो अगर मुझे 2 जॉब में से आइदर एक काम करना है, एक तरीके से आइदर या तो ये, तब मुझे एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन के क्वेश्चन बहुत कम है, एडिशन के मान लो आते ही नहीं है ना के बराबर, लेकिन फिर भी आपको बताना था मुझे। तो फंडामेंटल काउंटिंग के 2 कॉन्सेप्ट हैं बच्चों जो मैंने आपको समझा दिए, यार बात को समझना पड़ेगा। एक है मल्टीप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन, और एक है आपका एडिशन, दोनों ही मैंने समझा दिए हैं आपको। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, एनसीईआरटी से बच्चों, मदर बुक है हमारी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाती हैं, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे हैं, फोन में निकाल के रखा हुआ है हमने, वीडियो चेक करनी पड़ती है कि चल रही है कि नहीं चल रही है, बिंदास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना मोबाइल में खोल रहा है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो कहीं लिख के पेज पे करते रहो। तो एक्सरसाइज 7.1 बच्चों खोल के रखी हुई है पीडीएफ में, एक्सरसाइज 7.1, सारे क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे, लेकिन मेरा मकसद किसी बुक का सॉल्यूशन बनाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं वाजे तौर पे, यानी कि बिल्कुल सही सही कंफर्म तौर पे बता देना चाहता हूँ, मेरा मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैं खुद बोल रहा हूँ इसमें मात्र 6 क्वेश्चन है, जबकि आरडी शर्मा सर की बुक में 46 क्वेश्चन है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसके बाद उसी का नंबर लगाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसमें जो 6 के 6 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। पहला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डेटा लिखूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग क्या है बच्चों। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन लग गई कि भैया कोई सा भी ले लें। तो देखो 2 कंडीशन होंगी, अभी रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन आप सीख जाओगे। पहले वाले में लिखा है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि एक डिजिट को अपन कितनी भी बार यूज करें फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक भैया 3 डिजिट का नंबर बनाना है, एक 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 भी चलेगा। और दूसरे वाले में अपन से बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहां से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने वाली है बच्चों। मैं तो ये बोलता हूं एक टाइप का सवाल हो जाएगा ये, कि रिपीटेशन वाले में क्या करेंगे और नॉन रिपीटेशन वाले में क्या करेंगे। तो भैया 3 डिजिट का नंबर बनाना बेटा, सही हो गई बात। तो मुझे ये बताओ पहली डिजिट को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं, मतलब पहली डिजिट को चूज करने के कितने तरीके हैं। 1 भर लो, दिक्कत नहीं है, 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, 5, पांचों में से कोई सा आप यहां पे भर सकते हो, यानी कि पहली जॉब को परफॉर्म करने के 5 तरीके हो गए।
दूसरी जॉब को सर रिपीटेशन अलाउ है, फिर भी पांचों में से फिर भी कोई सी ले लो, फिर से टू ले लो, थ्री ले लो, फोर, और तीसरी भी, यानी कि जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो सारे नंबर सेम जितने भी हैं भर दो। तीन डेट का नंबर था इसलिए तीन ही रखा है। फिर क्या बताया था, टोटल कितने नंबर बनेंगे, कौन सा प्रिंसिपल था, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल था, क्योंकि वन 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 टू वन 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 टू, जब सबको काउंट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा। तो 5 5 25 5 5 सभी जानते हैं 125, यानी कि अगर हम इसमें से कोई से भी तीन नंबर लें और रिपीटेशन अलाउ हो, 111 333 444 555 रिपीटेशन अगर अलाउ होगा तो तीन डिजिट के टोटल 125 नंबर बन सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है बेटा, 1 2 3, तो पहली डिजिट को पांचों में से कोई सी भी ले लो, लेकिन पांचों में से एक डिजिट तो रख चुके हो ना, यहां पर मान लो थ्री रखा हो तो कह रहे सर पांच क्यों लिख रहे हो। बेटा तरीके देखने हैं, तरीके, फर्स्ट जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द फाइव वेज, तो पांच तरीके हो गए। जो डिजिट यहां पे यूज करी होगी वो हट गई होगी, सपोज कर लो चार यूज करी, तो चार को अब यूज नहीं कर सकते, तो अब बचे चार तरीके। अब दो डिजिट यूज हो गई तो अब कितनी डिजिट बची होंगी, तीन डिजिट्स। इस बात को समझना होगा विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन कैसे सवाल को अंजाम देना है। समझ आ रही है ना बात? हाँ जी। तो 5 4 23 60, यानी कि बिना रिपीटेशन वाले जो नंबर बनेंगे वो 60 नंबर बनेंगे मात्र। तो ये बच्चों पहला सवाल था, बहुत आराम से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहीं से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, यहीं से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया है वो समझाएंगे। पहले मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करना सिखा दे। देखो दूसरा सवाल देखो बच्चों ध्यान से, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर, अब कंडीशन अप्लाइड हो गई, थ्री डिजिट का हो लेकिन शर्त ये है इवन नंबर हो। अब यहां पे एक चीज आप और सीखोगे ना, इवन नंबर हो, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, कौन कौन सी डिजिट, 1 2 3 4 5 6, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। चलो अब ध्यान से सुनना यार बात को, तीन डिजिट का नंबर है 1 2 3, यहां पे कितने तरीके हैं, यहां कितने तरीके हैं, यहां कितने तरीके। मुझे एक बात आप बताइए, नंबर है इवन और इवन नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है बच्चों, अरे थोड़ा दिमाग तो लगाइए, तो इवन नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है वो भी इवन ही होती है, वरना नंबर इवन नहीं बनेगा। रिपीटेशन अलाउ है तो या तो लास्ट में दो आए इवन बनेगा, या लास्ट में चार आए इवन बनेगा, या लास्ट में छह आए तो इवन बनेगा। तो लास्ट वाली को आप सिर्फ तीन तरीके से भर सकते हो, यानी कि लास्ट डिजिट कैन बी चूज इन थ्री वेज बिकॉज वी हैव टू मेक द नंबर इवन, एंड इवन नंबर्स आर ऑलवेज एंड्स विद द इवन डिजिट। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब रिपीटेशन अलाउ है लेकिन डिजिट तो यहां पर कोई एक ही चूज करी होगी, मतलब रखी तो एक ही गई होगी, लेकिन उस एक डेट को चूज करने के तीन तरीके हैं। रिपीटेशन अलाउ है बच्चों, अब तो कोई सी भी रखो, कितनी डेट है, 1 2 3 4 5 6, छह में से कोई सी भी भर दो, यहां भी छह में से कोई सी भर दो, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो एक डिजिट यहां पर यूज हो गई होती, यहां पर और यहां पर, मैं पता है कितने भरता, छह डिजिट है, एक डिजिट यूज हो गई, पांच तरीके बचे और इसके चार तरीके बचे अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। बट दे सेड रिपीटेशन इज अलाउड, सो वी कैन चूज एनी वन ऑफ द डिजिट फ्रॉम द गिवन सिक्स डिजिट्स, सो देयर आर सिक्स ऑप्शन एंड देयर आर सिक्स ऑप्शन टू फिल दिस डिजिट, तो देन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 6 × 6 × 3, तो 6 6 36, और 36 की 3 से कराएं तो 6 3 18 का 8 करी 1 3 9 और 1 10, 108 नंबर इवन बनेंगे तीन डिजिट के अगर रिपीटेशन अलाउ है तब। बताइए बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यार? अंडरस्टैंडिंग है मेन चीज, है अंडरस्टैंडिंग। अगर इस टाइप के आपने दो सवाल मेरे से सीखे, दो सवाल मेरे से समझे, तो आप 20 सवाल कहीं से लगाइए जाके क्या फर्क पड़ता है। मैं तो नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मुझसे सीख के जा रहे हो, मुझसे पढ़ के जा रहे हो, या कहीं भी आप क्या फर्क पड़ता है। अब आप बोल रहे हैं गर्व से, हमने आर डी शर्मा लगा रखी है, ट्रेंड है ना ये बोलने का, मैंने एनसीईआरटी लगा रखी है। अरे क्या, मैं तो कहता हूँ क्या बकवास लगा रखी है यार, क्या मतलब है कि मैंने ये किताब लगा रखी है, मैंने वो किताब लगा रखी है, क्या मतलब है इन बातों का। मैंने परम्यूटेशन सीखा है, मैंने कॉम्बिनेशन सीखा है, मैंने फैक्टोरियल सीखा है, ये बोलिए तब मानी जाएगी बात आपकी। क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, बात सिर्फ पढ़ाई की होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री,
हाउ मेनी फोर लेटर कोड, चार लेटर का कोड बनेगा. एनसीईआरटी का सवाल नंबर तीन है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. फर्स्ट 10 लेटर, फ्रॉम फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स. इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है. यार हलवे सवाल हो रहे हैं, बताइए. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, शॉर्ट में लिख देते हैं यार, ठीक है. चार लेटर का कोड, 1 2 3 4, किसी को चार लेटर का कोड भेजना है, 1 2 3 4. कितने लेटर हैं आपके पास? 10 लेटर है पहले. अरे नहीं भी लिखो तभी फिर भी लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यही तो होते हैं 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में से कोई सा भी यहां चूज कर सकते हो. एक लेटर चूज हो गया, एक लेटर चूज करने के 10 तरीके थे, लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए. 9 बचे, 8 बचे, 7 बचे, मल्टीप्लाई मारो, बताओ. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं हो रही है. अब मल्टीप्लाई करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, मैं तो ऐसे करता हूं, मल्टीप्लाई. 10 7 जा 70, 8 9 जा 72, 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 7 जा 49 और 1 50 और 1 0. ये था 5040 कोड बन जाएंगे. 5040 कोड 10 इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से आप बना सकते हैं, कोई से भी बना लीजिए, वो कोई से भी हो सकता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है. ए बी सी डी हो सकता है, ए बी सी डी से ही आप देख लीजिए, बी ए सी डी हो सकता है, बी ए डी सी हो सकता है. तो इस तरीके से समझ रहे कितने बनेंगे, 5040 कोड आपके बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे. क्लियर? तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना. अरे जो जंग के मैदान में भी डर जाएगा, जब जंग आई पड़ी है तो यार करो या मरो, फिर तो जंग के मैदान में कांप कांप के मर जाओ तो उससे क्या फायदा, फिर लड़ी लिया जाए ना. या इधर भाई मौत तो होनी है तो बहादुरी की मौत हो, फिर लड़ लो जब मैदान जंग में आ चुके हो तो, है ना. गिरते हैं अक्सर सहज सवार ही मैदान जंग में, वो क्या मरेगा जो घुटनों के बल चला हो, ऐसा कोई एक शेर है. जो भैया ताकतवर है, जो घोड़े पे बैठ के लड़ रहा है, गिरेगा तो वही, मरेगा तो वही, बहादुरी तो मरता है. जो पहले अपने घुटनों पे आ चुका हो वो क्या गिरेगा, वो क्या मरेगा. चलिए बच्चों, इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे की तरफ आएंगे. तो 4 क्वेश्चन उड़ा दिए, चौथा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, ऐसे एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज उड़ाएंगे, चैप्टर खत्म. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर. वाह वाह वाह, बहुत आसान सवाल है. 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9. 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट है और 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन है, इफ ईच नंबर शुड बी स्टार्ट विद 67. अब रिपीटेशन की बात तो जरूर करेगा. एंड नो डिजिट, कोई भी डिजिट appears more than once. भैया 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन फोन नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए. तो 67 को ही मल्टीप्लाई में थोड़ी लोगे, 67 तो आ गया, यानी कि ये तो फिक्स कर दिया आपने. अब आपके पास जो नंबर ऑफ वेज है वो सिर्फ 3 डिजिट के नंबर को बनाने के ऑप्शन है. 0 से 9 तक है आपके पास, 0 से 9 तक, 0 ध्यान दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. भैया आप 6 यूज नहीं कर सकते, आप 7 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. दो कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार देखेंगे नहीं. पहले पे 6 भर दिया, दूसरे पे क्या भर दिया, 7 भर दिया. कितने तरीके बन सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ 3 डिजिट ही चूज करेंगे. 67 फिक्स है ना. इस पे ये मत सोचना कि ये 6 तरीके हैं, इनकी भी मल्टीप्लाई होगी. 6 भर दिया यानी कि एक ही तरीका है, 7 भर दिया यानी कि अगर इसके लिए लोगे भी तो 1 into 1 लेना पड़ेगा. ये मत सोचना कि 6 into 7, ऐसा भी मैंने बेवकूफी करते हुए देखा है बच्चों को.
सिक्स भर दिया, यानी कि इसको भरने का एक ही तरीका है ना, सिक्स आना है, तो एक वे हुआ, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, समझ गए, कहीं सिक्स सेवन को मान लो, वही बता। तो कितने नंबर बचे बच्चे अपने पास, एक दो, कितने थे, दस, जीरो से नौ तक दस होते हैं, दस में से दो यूज हो गए, आठ बचे, आठ में से यहां कोई सा भर लो, यहां सात बचेंगे, यहां छह बचेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ गई बात। भैया नंबर रिपीट तो करना नहीं है, तो सिक्स सेवन को हटाना पड़ेगा, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बचे, तो आठ सात छह, क्योंकि एट एट ले नहीं सकते बिकॉज रिपीटेशन अलाउ नहीं है, समझ गए बात को। तो सेवन सिक्स 42 मल्टीप्लाइड बाई एट, एट टू 16 का सिक्स कैरी वन, एट फोर 32 और वन 33, 336 नंबर बनेंगे पांच डिजिट के, उसमें से हर नंबर स्टार्ट होगा 67 से, और जिसमें कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार दिखाई नहीं देगी। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है बच्चों प्यारे, जल्दी बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। यार लड़ाई समझ की है, मैथमेटिक्स को पता नहीं किसने हवा बना के रख दिया है यार, ऐसा सब्जेक्ट है वैसा सब्जेक्ट है, बहुत बदनाम हुआ ये सब्जेक्ट लोगों की वजह से, टीचर्स की वजह से, जिनको कुछ नहीं आ रहा वो पढ़ाने में घुस गए, थोड़े बहुत फॉर्मूले रट रटा के मैथमेटिशियन अपने आप को शो करने लग गए, इस वजह से ये सब्जेक्ट बड़ा बदनाम हो गया। वही तो बदलने आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच, अ कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स, एक कॉइन है वो तीन टाइम्स टॉस करा जा रहा है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने आउटकम बनेंगे, पहली बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार वो ऐसे हाथ नहीं हो पा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है पैर में काफी लगी हुई है, हाथ में काफी लग गई थी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन दो दिन हो गए थे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इस वजह से बस अब रुका नहीं जा रहा था बेड पे, आज पूरा दिन रेस्ट किया था, कल संडे है और अभी रात के 12 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक हो रही बात। चलिए वापस आते हैं, तो अभी हाथ को मूव करने में अच्छा हुआ ये कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड से पूरा लिख पा रहा हूँ। तो कॉइन थ्री टाइम्स टॉस करा गया, आउटकम रिकॉर्ड करे गए, कितने आउटकम बनेंगे, पहली बार में क्या आ सकता है, पहले ऑप्शन को भरने के लिए क्या है, अब सिक्के से थोड़ी कहोगे भैया रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ है, सिक्के से थोड़ी कहोगे, बता दे रहे हैं तुम्हें कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक बार हेड आ गया दूसरी बार हेड मत ले आना, सिक्का तुम्हारी थोड़ी सुनेगा, सिक्का थोड़ी सुन लेगा ना तुम्हारी, एक तो वही हिसाब होगा, एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा। गब्बर सिंह के, गब्बर सिंह ने ना ऐसा किसी ने इमेजिनरी जोक बनाया था शायद राजू श्रीवास्तव ने इस तरीके से, तो अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा मगर जिसका भी है क्रेडिट उसी को जाता है। तो गब्बर सिंह के पास मुर्गी फार्म था, अब सारे मुर्गियाँ दो दो अंडे देती थी, जब सारी मुर्गियों को हटा के उनके नीचे से अंडे निकाले तो एक मुर्गी के नीचे एक अंडा निकला सिर्फ, उसको गब्बर के सामने पेश करा गया, अब गब्बर ने पूछा ए बताओ तुम्हें गब्बर का खौफ नहीं है क्या, तुमने सिर्फ एक अंडा काहे दिया, तो बोला साहब ये गनीमत है कि मैंने एक अंडा दे दिया डर के मारे, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ, समझ आ रही है बात। हाँ तो कॉइन के ऊपर थोड़ी तुम्हारी बात चलेगी कि रिपीटेशन अलावा रिपीटेशन नहीं अलावा है, पहली बार सिक्का फेंका हेड और टेल में से कोई सा भी आ सकता है, दो तरीके हैं, दूसरी बार भी हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है, तीसरी बार भी हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है, फिर उनके जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आठ तरीके बनेंगे। अब मैं आपको ये लिंक करके दिखा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी से, क्लास 10 में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी थ्री कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, तो आप बनाते थे कि सर हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड है ना, फिर टेल हेड हेड उसके बाद हेड हेड टेल, तो टोटल आप तरीके बना के देख लीजिए आठ बनेंगे, लेकिन बना बना के थोड़ी देखेंगे यार, टाइम लगेगा बहुत, इसीलिए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस चीज़ को आसान करने के लिए आया है मैथमेटिक्स में, तो ये उसी की उत्पत्ति ओरिजिन इसका हमारी रियल लाइफ से हुआ है, काउंटिंग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है यार, समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही है भाई। अगर यूपी की गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती कि हम बाइक का नंबर सिर्फ तीन डिजिट का बनाएंगे, चलो रिपीटेशन अलाउ मान लो, जीरो नहीं रखेंगे एंड में, रिपीटेशन अलाउ है तो स्टार्टिंग में जीरो नहीं रख सकते, तो पहली डिजिट के नौ ऑप्शन हो गए, बाकी इसके दस और दस हो गए, बात को समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 10 या 100 100 की 9 से करो कितना आएगा 900, यानी कि 900 गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाने के बाद उनके पास नंबर प्लेट खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए उनका चार डिजिट का नंबर बनाओ, अब चार डिजिट से भी कितने बनेंगे, तो उन्होंने कहा दो अल्फाबेट भी रखो स्टार्टिंग में, रिपीट हो सकता है, दो अल्फाबेट रखो स्टार्टिंग में और चार डिजिट का नंबर रखो, अगर अल्फाबेट
सपोज कर लो चलो अल्फाबेट रिपीट नहीं हो सकता, तो 26 अल्फाबेट में से कोई सा भी अल्फाबेट आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 अल्फाबेट बचे, इनका तरीका अलग हो गया। फिर इनकी और अल्फाबेट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद यहां मान लो जीरो से नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 9 फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 इन सब का फिर आंसर निकाल के देखिए, तो हजारों में संख्या पहुंचेगी, लाखों में संख्या पहुंचेगी। और फिर कहीं कहीं अल्फाबेट भी अगर अलाव है तो 26 इंटू 26 हो जाएगा। तो इतनी नंबर प्लेट्स आपकी पॉसिबल है, इतनी तो गाड़ियां भी नहीं है, इसलिए नंबर प्लेट गाड़ियों की बनती जा रही है कंटिन्यूसली। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्रॉब्लम अराइज हुई तब उनका सॉल्यूशन बनाएगा, किसी ने हवा में मैथमेटिक्स को चैप्टर थोड़ी बना दिए, उसी बात को समझना है आपको। वही है ना, बदनाम सब्जेक्ट हो गया, बहुत बहुत मुश्किल है। चलो बड़ा अच्छा सवाल है, 5 flags हैं डिफरेंट कलर के, 5 flags आर ऑफ, ये मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन, डिफरेंट कलर के 5 flag हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 flag वन बिलो द अदर। 2 flag बना, मान लो एक झंडा हमारा ये हो गया, एक झंडा हमारा ये हो गया, एक ऊपर है दूसरा उसके नीचे रखना है, तो कितने सिग्नल बन सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, 5 झंडों में से एक झंडा मैं या कोई सा भी रख लूं, 5 ऑप्शन हो गए, झंडे अलग अलग कलर के हैं, तो 4 ही झंडे तो बचे हैं, चारों में से यहां कोई सा यूज कर लूं, टोटल कितने सिग्नल बचे? 5 × 4 = 20, 20 सिग्नल बच्चों बन जाएंगे, 20 सिग्नल। अब बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से यहां पर हमारा काम हो गया। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूं, अगली अभी ये पूरी कहानी हुई नहीं है, बात याद रखिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बचे हैं, इंपॉर्टेंट, इतने लेटर हैं, इतने पोस्ट बॉक्स हैं, कितने तरीके से पोस्ट किए जा सकते हैं कि वो अपने अपने सही एड्रेस पे पहुंचे, सही सही एड्रेस पे ना पहुंचे। एक मंदिर है उसमें 7 दरवाजे हैं, एक से घुसना है दूसरे से निकलना है, दरवाजा रिपीट ना हो, कितने तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे अभी बच्चों सवाल बचे हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में आरडी शर्मा के बैक टू बैक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे अंडरस्टैंडिंग बन जाए, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद फिर परम्यूटेशन, और वहीं से नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही थोड़ा सा समझाऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन से परम्यूटेशन कैसे अराइज हुआ बच्चों। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट दिखाइए, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको प्लीज़ ज़रूर इस का सजेशन दीजिए चैनल का, और मैं आपके साथ यूं ही बना रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, आती है, किसी भी तरीके का आपको गाइडेंस अगर चाहिए, तो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपका मेल मिलेगा तो खुशी होगी, और यकीनन मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्दी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मैथमेटिक्स को रटे ना समझते रहें। बाय बाय, टेक केयर।